देखिए हम सारे ये मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन के जितने भी मेथड्स हैं वो सब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं जल्दी से चार्ट बना दूँ और फिर हम उसी सिस्टमेटिक ऑर्डर पे जो है उसको वर्कआउट करते चले जाएंगे। मैं इसकी बात डिस्कस कर रहा था फर्स्ट प्रिंसिपल की कि दिस इज़ द फर्स्ट प्रिंसिपल, दिस इज़ द मेन फार्मूला जिससे कि सारे दूसरे जो फार्मूलेज हम यूज़ करते हैं वो इसी से डेराइव हुए हैं। दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज द फर्स्ट प्रिंसिपल। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द एबी इनिशियो मैथड। एबी इनिशियो मैथड मीन्स एबीसीडी इनिशियल एबीसीडी यूज़ करने वाला मैथड। It is also known as the delta method, right? Second, we will use the by standard results. Standard results. We will find out the derivative by using the standard results. जो standard result यहाँ जो हम create करेंगे उन्हीं को use करके इसमें बनाना होता है। और third हम use करेंगे differentiation of a function differentiation of function of a function। ये सो नंबर वन चीज है कि दिस इज नोन एज अ चेन रूल। यही आपको इसी में एक्सपर्ट होना है। दिस इज नोन एज अ चेन रूल। ये आना ही चाहिए, कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे 12th CBSE की भी पढ़ाई कर रहा हो या फिर वो IIT JEE की कर रहा हो, किसी अदर कंपटीशन की कर रहा हो, चेन रूल उसको बहुत परफेक्ट वे में आना चाहिए। सो दिस इज द थर्ड मेथड डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन इट बाय नोन एज द अदर वे इज बाय द चेन रूल। उसको चेन बनती है आपस में इंटरनली, उस मेथड को यूज़ किया जाता है। डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन। डिफरेंशिएशन by using trigonometrical transformation. So we will differentiate the function by using the trigonometrical transformation. Trigonometry का इसमें यूज होगा, right? Differentiation of implicit function. Differentiation of implicit function. इम्प्लिसिट का हिंदी में मतलब होता है अस्पष्ट, जो कि क्लियर नहीं हो, जिसमें कि y की वैल्यू क्लियरली x के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं हो रखी है। ज़्यादातर फंक्शन आप देखते हो कि y को x के टर्म्स में एक्सप्रेस किया हुआ रहता है, ठीक है, तो वो क्लियरली एक्सप्रेस किया होता है। अब एक फंक्शन ऐसा लिखा हो कि वो इतना मिक्स हो एक्स वाई वेरिएबल के साथ में कि आप y इक्वल टू इधर एक्स के टर्म्स में नहीं लिख पाए पूरा, या x इक्वल्स टू y के टर्म्स में नहीं लिख पाए। उसमें tan इनवर्स और x y log में भी इंटू एक्स वाई और सब कुछ आ रहा है, तो ऐसे केस में सेपरेट करना मुश्किल होता है। सो दैट इज नोन एज द इम्प्लिसिट फंक्शन। और इसका जो अपोजिट वर्ड होता है वो होता है एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन, राइट। एक्सप्लिसिट फंक्शन जो होते हैं उसको बोलते हैं, एक्सप्लिसिट का हिंदी वर्ड होता है स्पष्ट फलन, मतलब दैट फंक्शन इज द क्लियर। जैसे आप देखते हैं कि रेबॉक का शोरूम है, एक्सक्लूसिव शोरूम ऑफ द रेबॉक, सो दैट इज नोन एज द एक्सक्लूसिव। और एक्सप्लिसिट एक ही वर्ड है इंग्लिश में जो यूज हो रहा है, एक्सक्लूसिव एक्सप्लिसिट वर्ड एक ही है। उस फंक्शन में क्या होगा कि y की वैल्यू क्लियरली x के टर्म्स में एक्सप्रेस्ड है। सो दैट टाइप ऑफ फंक्शन जो मोस्टली लिखे होते हैं हमारे पास में वो सारे एक्सप्लिसिट फंक्शंस ही होते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शंस वो होते हैं जिसमें मिक्स किया हुआ रहता सारा x y वेरिएबल। x और y वेरिएबल को आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, तो उस टाइप के फंक्शंस का भी हम डिफरेंशिएशन लेंगे। डिफरेंशिएशन by using logarithms। देखिए ये प्रॉब्लम तब आती है, लॉगरिथम्स लेने की जरूरत पड़ती है तब एक फंक्शन की पावर दूसरा फंक्शन दिया हुआ होता है, तब इन दैट केस यू हैव टू टेक द लॉगरिथम्स एंड देन यू हैव टू डिफरेंशिएट द फंक्शन। तो हम उसको लेंगे 6 नंबर। 7 नंबर है हमारे पास में differentiation of infinite series. Differentiation of infinite series, ऐसे फंक्शन जो इस इनफाइनेट सीरीज क्रिएट करते हो उनका हमें डिफरेंशिएशन करना होगा. एंड नंबर 8 इज वी विल यूज द डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस. डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस. पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स आप जानते हैं कि अगर x की वैल्यू को x इज सम फंक्शन ऑफ t, y is the another function of t, so these are known as the. जब x को t के टर्म्स में लिखा हो, y को भी t के टर्म्स में लिखा हो, at that time these equations are known as the parametric equations. और इस केस में वो ये चाहे कि dy/dx निकाल दो, dy/dx निकाल दो मतलब डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x निकाल दो, तो t वेरिएबल को हटना पड़ेगा, ठीक है ना. तो उसके लिए जो वर्कआउट करना होता है, एंड दैट पर्टिकुलर 8 नंबर इज द डिफरेंशिएशन ऑफ ए पैरामीट्रिक फंक्शन. इसके बाद में 9th लेंगे हम डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन. डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन. देखिए मेथड सारे मैं लिस्ट इसीलिए एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ क्योंकि इसी मेथड से हम बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे करने वाले हैं, तो वो चीज़ें हमें समझ में भी आनी चाहिए. नाउ नेक्स्ट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन. यहाँ जो हम डिफरेंशिएट करते हैं वो विद रेस्पेक्ट टू एक्स करते हैं, तो अगर एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाए तो दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन इज नोन एज द डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन. ये हम लेंगे. इसके बाद में हम लेंगे 10 नंबर, 9 के बाद 10 और डिफरेंशिएशन ऑफ ए डिटर्मिनेंट्स. So we'll take the differentiation of determinants. देखिए अगर फंक्शन डिटर्मिनेंट फॉर्म में दिया हुआ हो, वो पूरा डिटर्मिनेंट शो किया हुआ हो और उसको डिफरेंशिएट करना हो, उसको फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, उसमें भी कई सारे डेरिवेटिव्स होते हैं, सो वो सब वर्कआउट करना होगा. एंड दैट वी विल यूज इन अ 10th नंबर, दैट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ अ डिटर्मिनेंट. देन लास्ट वन इज अ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव. हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव और nth डेरिवेटिव की रिक्वायरमेंट होती है और एक कुछ कंडीशन या केस सॉल्व करना होता है, एंड यू हैव टू शो समथिंग, और या पर्टिकुलर कुछ वैल्यू को आप निकालने के लिए देता है ऑब्जेक्टिव ऑप्शंस में, तो वो हम उसको वर्कआउट करके निकालते हैं. सो दैट वी विल डू इन टू द हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स. तो देखिए ये हमारी एक पूरी लिस्ट कंप्लीट हुई और इस लिस्ट के अकॉर्डिंगली मैं जाऊंगा. अब हम पहले स्टार्ट करें फर्स्ट प्रिंसिपल. डिफरेंशिएशन बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल. यहां मैं चाहूंगा कि डेफिनेशन बिल्कुल डिफरेंट, जो हमने ज्योमेट्रिकल मीनिंग में लिया था डेरिवेटिव, और उस तरह से नहीं जाएंगे. लेकिन आप बात याद रखिए कि डेरिवेटिव की जो वैल्यू हम लिखते आ रहे हैं उसको मैं बार बार दिखाना चाहूँगा कि वो एक ही है, चाहे x प्लस एच के फॉर्म में लिखो या x प्लस डेल्टा एक्स के फॉर्म में लिखो, या जहाँ राइट हैंड डेरिवेटिव में जो c प्लस एच लिखा था फंक्शन को, f डैश c को लिखा था उसने लिमिट x टेंड टू c, f c प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच, ठीक है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 पे लगाई थी, उसको भी एफ डैश सी बोला था. और अगर हम उसको जनरल में कर देते हैं तो एफ डैश एक्स हो जाता है, तो लिमिट आ जाती है एच टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच, इससे भी लिखा था, ठीक है. तो देखिए डिफरेंट फर्स्ट ले लेते हैं डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल. और इट इज द ab initio method. Initio method, by using that you have to find out the derivative. So देखिए इसमें हम ये ले लेते हैं, let y equals to fx be continuous function. जिस फंक्शन को आप डिफरेंशिएशन जिसका चाहते हैं उसके लिए ज़रूरी है कि वो कंटिन्यूस हो. कंटिन्यूस हो तभी तो उस पर टेंजेंट लाइन बना सकते हैं, यही तो मेन चीज़ है। तो कोई हम चाहते हैं कि किसी फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर दें तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसको उसकी कंटिन्यूटी होनी चाहिए। दैट फंक्शन शुड बी द कंटिन्यूस फंक्शन, ओनली देन यू कैन ड्रॉ द टेंजेंट लाइन एनीवेयर ऑन टू द कर्व। अब कोई लाइन अगर टूटी फूटी है, कोई कर्व ऐसा है कि जो डिसकंटिन्यूस है, अगर उसकी बात चले कि इस पर टेंजेंट लाइन बनाओ तो वो नहीं बनेगा। हम क्या मालूम जिस पॉइंट पे हम टेंजेंट लाइन बनाने की बात कर रहे हैं वो ग्राफ वहाँ पे टूटा हुआ हो, तो टूटा हुआ होगा तो उस पर आपका टेंजेंट लाइन नहीं ड्रॉ हो पाएगा। तब हम इसमें लैंग्वेज मैथमेटिकल यूज़ करने लग जाते हैं कि वहाँ डेरिवेटिव पॉसिबल नहीं है, मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट लाइन बनाना पॉसिबल नहीं है, राइट। सो देखिए इसमें ऐसे वर्कआउट करते हैं, इफ द y इज द फंक्शन ऑफ x एंड इट इज एन कंटिन्यूस फंक्शन, तो इसमें y में हम स्लाइड चेंज लेते हैं y प्लस डेल्टा y का। मैंने आपको बताया कि फंक्शन में डेल्टा y इज अ वेरी स्मॉल वैल्यू, और इधर x में हम स्लाइड चेंज देते हैं x में डेल्टा x का। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द सेकंड इक्वेशन, और इसको माइनस कर लेंगे। लेट्स से दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड, एंड सेकंड माइनस वन करेंगे तो y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई, सो दिस इज डेल्टा वाई, राइट। और ये देगा एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। अब देखिए ये जो मैं पूरा फार्मूला फर्स्ट प्रिंसिपल का जनरेट करने जा रहा हूँ, तो ये हमें पता होना चाहिए कि हमने अभी जैसा लिया था कि डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो को हम एक डी वाई बाई डी एक्स बोलेंगे। एक्चुअल में ये चीज़ ध्यान रखनी है, हम इसी चीज़ पे वर्क कर रहे हैं, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग, इसी चीज़ को हम क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने डेल्टा वाई बना दिया, अब दोनों तरफ हम क्या करेंगे, डेल्टा एक्स से उसको डिवाइड कर देंगे। सो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स डिवाइड कर दिया, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स, एंड डिवाइडिंग बाय द डेल्टा एक्स बोथ साइड एंड टेकिंग लिमिट बोथ साइड। तो लिमिट ले लेंगे, अब लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो की लिमिट ले लेंगे टू द डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, दिस इज एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाय द डेल्टा एक्स, राइट। नाउ दिस वैल्यू इज नोन एज द डी वाई बाय डी एक्स, and this can be written as limit delta x tends to 0. Now it is x plus delta x minus fx divided by the delta x. So this is the derivative. और इसी को आप चाहें तो f dash x बोल दीजिए। अब देखिए इसको बिल्कुल आपको बात बहुत क्लियर होनी चाहिए, 100% क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि कई जगह वो वैल्यू को अलग अलग तरह से लिखता है। वही मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि फॉर्मूला अगर ये इस तरह से लिख रहा है या हम इसको ये भी लिख लें तो क्या फ़र्क पड़ रहा है। दिस इज और करके मैं ये लिखता हूँ, कई बार फार्मूला फर्स्ट प्रिंसिपल का ये लिखा रहता है, यहाँ पे डेल्टा एक्स की जगह वो एच लिखता है, यहाँ पे एच लिखता है, यहाँ एच लिखता है, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप एच लिख लीजिए, एच करके आपको अच्छा याद रहता है तो वो बेटर है, ठीक है ना। डेल्टा एक्स लिखने में थोड़ा स्लाइडली डिफिकल्टी होती है, सो बेटर यू राइट द एच, इसकी जगह एच टेंड्स टू जीरो लिख लो आप, एफ एक्स प्लस एच लिखेंगे माइनस एफ एक्स लिखेंगे डिवाइडेड बाय एच। तो हम यही फार्मूला यूज़ करेंगे, मैं भी यही यूज़ करूँगा क्योंकि इसमें थोड़ा डिफिकल्टी होता है, डेल्टा बनाने में दिक्कत आती है। सो वी विल यूज़ द एच एंड डेल्टा बोथ आर सेम, दैट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यूज लाइक 0.00001, उतनी स्मॉलेस्ट वैल्यू है, वेरी 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 स्मॉल वैल्यूज, राइट। तो ये हमारा फार्मूला हो गया। अब इसको यूज़ करते हैं, हम जितने भी डेरिवेटिव्स के फॉर्मूलेज हैं सारे यहीं से जनरेट करना है। फर्स्ट फार्मूले की बात कर ले, मैं उस फार्मूले को वहाँ ऊपर लिख देता हूँ और उसी फार्मूले को हम यूज़ करते हुए हम जिस तरह से डेरिवेटिव निकालेंगे वो आएगा एफ डैश एक्स इज लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, दैट इज द एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाय एच। यही फार्मूला हम बार बार यूज़ करेंगे, ठीक है। और एग्ज़ाम में CBSE 12th में है तो उसका भी एग्ज़ाम देना है, तो आपको उसको बोलेगा कि फाइंड आउट द डेरिव बाई डेरिवेटिव बाय यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल। तो फिर इसी तरह से पूरा काम करना है, डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिख के उसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम पहला ले लेते हैं y = x⁴ जिसका कि डेरिवेटिव हम जानते हैं dy/dx (n(x)−1) होता है। अब देखिए इसको हम प्रूव करेंगे, वहाँ पे फॉर्मूले में रखेंगे। नाउ f(x = limit h → 0) और फंक्शन है ये, इसको ऐसा करें, इसको f(x) लिख दें, y इज द फंक्शन। सो ऐसा देख लें यू f(x = x⁴ n। तो x की जगह अगर मैं x + h रखूँगा तो यहाँ पे भी x + h आ जाएगा इसमें। सो दिस इज x + h⁴ n माइनस f(x) लिखना है तो x⁴ n आएगा डिवाइडेड बाय h आएगा। अब आप एक काम करोगे लिमिट लोगे सीधा सीधा, ठीक है, तो लिमिट लेने का ही वर्क है। इसमें से एक काम कीजिए x⁴ n बाहर निकाल दो। ये कुछ चीज़ें आनी चाहिए आपको, ये जब मैं चीज़ बोल रहा हूँ तो आपको ऐसा लगेगा कि ये ऐसा स्टेप क्यों लिया। ठीक है, वो स्टेप का रीज़न समझ आएगा जब मैं 2-3 स्टेप सॉल्व करूँगा, तो यू विल अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ रिक्वायरमेंट, राइट। तो यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा x⁴ n बाहर, तो 1 + h/x⁴ n आ जाएगा। और मान लीजिए पूरा ही कॉमन ले लेंगे तो -1 यहाँ बचाएगा डिवाइडेड बाय h होगा। नाउ सी लिमिट h → 0, ठीक है, और इसको हम ओपन कर देंगे फॉर्मूले को x⁴ n। नाउ दिस इज 1 + nx एंड x की जगह h/x दे रहा है प्लस n(n-1) फैक्टोरियल टू x², तो वो हो जाएगा h² / x²। इसको मैं बाइनोमियल थ्योरम से ओपन कर रहा हूँ, 1 + x⁴ n, तो 1 + nx + (n(n-1) फैक्टोरियल टू x² (n(n-1)(n-2) डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 x³। इस तरह से लिख रहे हैं, तो ये बाइनोमियल की भी ओपन वैल्यूज है उसमें लिख रहे हैं, NC0 NCR वाला यूज नहीं कर रहे हैं, राइट। अच्छा, लास्ट में आएगा आपका -1 डिवाइडेड बाय h, ठीक है, तो +1 - 1 कैंसिल हो जाता है। अब आप देखिए ये इंडिटर्मिनेंट फॉर्म बना रहा है, यहाँ पे पूरा लिमिट लेने का ही काम चल रहा है, राइट। तो हम एक काम करें कि यहाँ पे एक h कट कर देते पूरे में, जो कि उसको इंडिटर्मिनेंट फॉर्म बना रहा है, तो एक h कट करेंगे तो x⁴ n हो गया, और ये h कट हो जाएगा तो n/x बचेगा। यहाँ से n/x, एक h इसमें से कैंसिल होगा, n(n-1) फैक्टोरियल 2 आएगा। दिस विल बी h/x² प्लस आगे टर्म्स आएंगी जो कि h कंटेन कर रही होंगी, नीचे वाला h उससे कट हो गया। और अब उठा के इसमें लिमिट ले लेंगे, h → 0 प्लेस कर देंगे, राइट। तो ये देगा आपको क्या, x⁴n × n/x। तो उसको हम लिख सकते हैं बेटर n x, ये पावर ऊपर जाएगी, एक पावर कम करेगा n-1। तो देखिए इसी वजह से अगर फंक्शन ये हो तो इसको ऐसे भी तो लिखते हैं dy/dx of x⁴n इज गिवन बाय n(x)(n-1)। दिस इज वन ऑफ द फार्मूला। या यहाँ पे dy/dx ले लेता है, क्योंकि y = x⁴n लिखता है तो dy/dx बोलता है, और उसकी वैल्यू को n(x)(n-1) लिखता है। ये दोनों एक ही बात है, फॉर्मूले कई बार इस तरह भी लिखे रहते हैं या इस तरह भी लिखे रहते हैं। y की जगह वो लिख लेता है, यहाँ पे है आपका dy, तो y की जगह क्या लिखा होता है, y की जगह x⁴ गुड मॉर्निंग। कल हमने फर्स्ट प्रिंसिपल लिया था, और फर्स्ट प्रिंसिपल में खाली एक ही क्वेश्चन, एक ही एग्जाम्पल हमने सॉल्व किया था, दैट इज द y = x⁴ n, और उसका dy/dx हमने निकाला था, दैट इज द n(x)(n-1), राइट। अब नेक्स्ट और भी एग्जाम्पल्स, कई सारे मैं वेराइटी ऑफ एग्जाम्पल्स लेना चाहूँगा जिनमें कि सभी तरह के कंडीशंस आ जाएँ। देखिए हमारा जो फर्स्ट फार्मूला है, दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल, एंड इसको हम यही लिखा रहने देंगे, दिस इज h, राइट। And this is the first principle. First principle, right? It is the ab initio method, right? अच्छा, अब इनमें कुछ एग्जाम्पल्स ले लेता हूं मैं। x टू द पावर n का हमने डिफरेंशिएट किया उसको बाय यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल। और उसके बाद यदि लेना हो, सपोज y इक्वल्स टू x टू द पावर y इक्वल्स टू a टू द पावर x एंड यू हैव टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव बाय यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल, राइट। तो a टू द पावर x का इस तरह से हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्टली आप f डैश x लिखेंगे, f डैश x लिमिट h टेंड्स टू 0 और फंक्शन लिखेंगे। इसको आप ऐसा कीजिए, एफ एक्स लिख लीजिए, एफ एक्स इक्वल्स टू ए टू द पावर एक्स, दिस इज बेटर। इसको आप ए टू द पावर एक्स लिखेंगे तो देन यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ एफ एक्स प्लस एच, सो दैट मीन्स ए टू द पावर एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, ए टू द पावर एक्स रखेंगे डिवाइडेड बाय एच, राइट। और बस अब आप लिमिट लेने का काम करेंगे। ये नंबर ऐसा लिखा सकता है a टू द पावर x इंटू ए टू द पावर h, राइट। और उसमें a टू द पावर x कॉमन ले लेंगे। फॉर्मूला में यहाँ दिखाई दे रहा है हम क्या यूज करने वाले हैं। सो दिस इज a टू द पावर x कॉमन, a टू द पावर h माइनस 1 बाय h। अब देखिए इसमें वेरिएबल है ना, वेरिएबल इसमें h है, तो ये वाले पोर्शन की लिमिट आपको लॉग a मिलेगी। आप पूछेंगे x का क्या होगा, x इज जस्ट लाइक एन अ कॉन्स्टेंट, क्योंकि लिमिट जो चला रहा है वो h टेंड्स टू 0 पे चला रहा है। इसके लिए लिमिट लेने के लिए h ही वेरिएबल की तरह से काम कर रहा है, बाकी वो नहीं है। आपका x जो है जस्ट लाइक कांस्टेंट है, राइट। तो यहाँ पे आप लिमिट ले लो। सो दिस इज a टू द पावर x आउटसाइड में जाएगा एंड लिमिट h टेंड्स टू 0, दिस इज a टू द पावर h माइनस 1 बाय h, और उसकी लिमिट हो जाती है दिस इज इक्वल्स टू लॉग a। सो दिस लॉग a इज विद द बेस e, दिस लॉग a इज विद द बेस e। तो ये इस तरह से हो जाएगा। सेकंड देखिए, और बहुत सारे एग्जांपल्स मैं चाहूँगा कि वैरायटी कंप्लीट कर दूँ। लॉग x का ही लेना हो, अगर सपोज एफ एक्स इक्वल्स टू लॉग x है, लॉग x विद द बेस e, और इसका डेरिवेटिव आप जानते हो 1 बाय एक्स होता है। लेकिन इसमें अगर जाएंगे फॉर्मूले में बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल, सो दिस इज द लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड लॉग ऑफ, अब देखिए फंक्शन में x प्लस एच लिखना है, सो दिस इज x प्लस एच माइनस का log x विद द बेस e अपॉन h, और इसको आप उठा के लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड log m माइनस log n फॉर्मूला यूज करोगे। सो दिस कैन बी रिटन एज log ऑफ x प्लस, इसको डिवाइड किया हमने इस नंबर से, x प्लस h डिवाइड होगा x से, सो log m माइनस log n इज log m अपॉन n होता है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 1 प्लस एच बाय एक्स, ये से डिवाइड कर जाएगा नंबर, राइट, एंड डिवाइडेड बाय एच। अब आप वापस वही पॉइंट देखिए कि लिमिट है एच टेंड्स टू 0 की, और जो क्वांटिटी यहाँ पे होती है लॉग 1 प्लस एक्स वाले फॉर्मूले में लिमिट हमने ली थी, लिमिट में लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पे 1 होती है, राइट। तो इसी तरह से सेम क्वांटिटी देनी पड़ेगी, आप x से यहाँ डिवाइड कर दीजिए, यहीं के यहीं मल्टीप्लाई कर दीजिए, बैलेंसिंग वर्क यहीं कर दो आप, जिससे कन्फ्यूजन नहीं रहे। और इस पोर्शन की लिमिट आपको 1 मिलेगी, दिस इज लिमिट 1। तो यहाँ पे बचेगा आपको 1 अपॉन एक्स इंटू 1। तो देखिए इसीलिए इसका जो लिमिट है वो 1 बाय एक्स होता है। अगर लॉग एक्स टू द बेस a रहा होता तो हम सेम रखते यहाँ पे, लेकिन बाद में यहाँ पे बेस चेंज कर देते, तो 1 अप log x टू द बेस a का आता 1 अपॉन एक्स log a, 1 अपॉन एक्स log a वैल्यू बन जाती, तो वो भी इसी तरह से हो जाता। इस जगह हमें बेस चेंज करना पड़ता यदि a बेस होता, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन यहाँ कन्वर्ट करता हूँ मैं, अगर एफ एक्स ये दिया होता इसने log x विद द बेस a, log x विद द बेस a दिया होता, तो यहाँ पे हम ये चीज को ऐसा लिख रहे होते, लिमिट h टेंड्स टू 0 लिख रहे होते, और यहाँ और कोई चेंज नहीं आता, इस जगह बेस a होता, इसमें 1 प्लस एच बाय एक्स होता डिवाइडेड बाय h होता, तो फिर आप इसमें x से डिवाइड करते, मल्टीप्लाई करते, ये प्रोसीजर सेम रखते, लेकिन ये बेस a के साथ होगा। यहाँ पे बेस चेंज फॉर्मूला हम लगाते, फिर यहाँ पे आप एक काम करते, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, नाउ दिस इज लॉग ऑफ 1 प्लस h अपॉन x अपॉन लॉग ए लिख लेते, देखिए x लिखा होता और अपॉन लॉग ए लिखते विद द बेस e। दिस इज द बेस चेंज फॉर्मूला। बेस चेंज फॉर्मूला ये है लॉग में कि लॉग b बेस a हो और मान लीजिए मुझे e बेस चेंज करना है, e बेस चेंज करना है तो हम इसको लिखेंगे दिस इज लॉग b विद द बेस e और अपॉन लॉग a विद द बेस e। नया बेस e आ जाता है और ये जो बेस वैल्यू है लॉग की ये फिर आपके नीचे लॉग a में वैल्यू आती है। दिस इज लॉग a टू द बेस b बनता है, लॉग e बनता है, सॉरी लॉग a टू द बेस e बनता है और ऊपर आ जाता है लॉग b टू द बेस e। e इज द न्यू बेस, जो भी बेस चाहते हो आप उसमें लिख सकते हो, ठीक है। अब देखिए फिर वापस वही काम करना है इसमें, यहाँ पे ऑलरेडी x था, ठीक है ना, तो h था, ये x हम लिख रहे थे इसके लिए, अच्छा h बाई x इसका मतलब यहाँ लिख चुके थे, सेम इसी का कॉपी कर रहा हूँ, खाली यहाँ बेस चेंज कर रहा हूँ और कुछ नहीं, ठीक है। तो इस वाले पोर्शन का लिमिट कितना हो जाएगा, इस वाले पोर्शन का लिमिट 1 हो जाएगा और यहाँ पे 1/x लॉग a विद द बेस e आ जाएगा। ये तब होता जब बेस इसका ये वाला आया होता, ठीक है। इसके बाद देखिए हमने x टू द पावर n का ले लिया फर्स्ट प्रिंसिपल से, a टू द पावर x का ले लिया और उसके बाद में लॉग x के ले लिया, लॉग x का बेस e के साथ रहता है तो डेरिवेटिव 1/x होता है और यदि बेस a के साथ होता है तो 1/x ln a आता है, तो ये हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से इसको निकाला ही। इसके बाद में कुछ और मैं चेंज देखता हूँ, देखिए मान लीजिए इस तरह से आ जाए, यहाँ पे हम एक और ले लेते हैं फंक्शन f(x) इक्वल्स टू सपोज 10x का है, दिस इज द 10x एंड यू हैव टू डिफरेंशिएट, यू हैव टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल, राइट। तो फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला है f(x) इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो हो जाएगा और फंक्शन में 10x प्लस h, सो 10 of x प्लस h आएगा माइनस का 10x डिवाइडेड बाय h। अब आप इसको सिंप्लीफाई करना है, अब जो काम रह गया वो खाली लिमिट वगैरह लेने का रह गया, तो वो लिमिट हम ले लेंगे इसकी, सो लिमिट h टेंड्स टू जीरो, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, इसको आप एक काम करेंगे, इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सो दिस इज साइन ऑफ x प्लस h अपॉन कॉस ऑफ x प्लस h माइनस साइन x बाय कॉस x एंड दिस इज डिवाइडेड बाय h। फिर आप लेंगे लिमिट h टेंड्स टू जीरो, देखिए इसमें एलसीएम लेंगे, वो एलसीएम नीचे चला जाएगा h के साथ में, h तो ऑलरेडी नीचे ही है, एलसीएम में नीचे जाएगा, कॉस ऑफ x प्लस h इंटू कॉस x, ये नंबर भी नीचे आ जाएगा, ठीक है। फिर आप इसमें लेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा, तो क्या हम ऐसा लिखेंगे साइन x प्लस एच इंटू कॉस एक्स लिखेंगे माइनस कॉस ऑफ x प्लस एच, एलसीएम इससे डिवाइड किया ये बचा और ऊपर वाला इंटू साइन x। अब यहाँ देखिए फॉर्मूला बन रहा है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला यूज कर दिया जाएगा लिमिट एस टेंड्स टू जीरो साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है, सो साइन ए माइनस बी मतलब साइन एक्स प्लस एच माइनस एक्स, तो एक्स प्लस एच माइनस एक्स मतलब ऊपर बच गया खाली साइन एच, साइन एच बाई एच है ही ऑलरेडी और ये नंबर उसके साथ आप लिख दीजिए। अब आपको समझ आ रहा होगा कि हमें क्या लिखना है, क्योंकि जब हम लिमिट लेंगे एच की तो इसकी लिमिट 1 आ जाएगी और बाकी जो पोर्शन बचेगा वो वैल्यू दे देगा, सो दिस इज 1/, इसमें h जीरो लिख देंगे, सो दिस इज इक्वल्स टू कॉस एक्स इंटू ये कॉस एक्स, तो दूसरा कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा एंड दैट कैन बी रिटन इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स। तो 10x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स होता है, बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल हमने इसको निकाला, फॉर्मूला आप जानते ही हैं। इसके बाद में साइन का, इसके बाद में थोड़ा सा मैं टिपिकल लेता हूँ। सपोज इस तरह से दे एफ एक्स इक्वल्स टू ई टू द पावर साइन एक्स दे, ई टू द पावर साइन एक्स देगा। देन यू हैव टू डिफ्रेंशिएट इट बाय यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल, तो उसमें भी वही काम करेंगे। एफ डस एक्स, एफ डस एक्स इक्वल्स टू, देखिए e टू दी पावर, यहाँ पे जो फंक्शन है x प्लस एच लिखना होता है x की जगह, तो यहाँ ऊपर आएगा साइन ऑफ x प्लस एच माइनस माइनस एफ एक्स लिखेंगे। एफ एक्स आपका e टू दी पावर साइन एक्स है, लिख दिया डिवाइडेड बाय h, और इसकी लिमिट लेनी है f डस x, इसकी लिमिट लेनी है h टेंड्स टू 0 पे, राइट। तो उसमें एक काम करेंगे वही, आपको स्टेप अब समझ में आना चाहिए कि इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, राइट। तो वो चीज़ मतलब इसमें e टू द पावर साइन एक्स को बाहर निकालेंगे, तो e टू द पावर साइन एक्स यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, तो बीच में माइनस करेगा उसको, ठीक है। तो e टू द पावर साइन एक्स को यदि बाहर निकालेंगे तो डायरेक्ट इसमें से तो बाहर निकलेगा नहीं कॉमन, इसको आप लिखेंगे e टू द पावर साइन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस माइनस साइन एक्स। देखिए ये पावर ही है, माइनस की है, ये प्लस पावर है, ये माइनस पावर है, और एक पॉजिटिव बाहर है, और यहाँ बचेगा माइनस वन, ठीक है। ई टू द पावर साइन एक्स बाहर निकल गया, डिवाइडेड बाय एच आ गया, एंड देन लिमिट लिमिट एच टेंड्स टू 0 लिखेंगे, एंड सी ई टू द पावर साइन एक्स, ई टू द पावर साइन एक्स, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को यूज़ करने के लिए हम देख रहे हैं वो फॉर्मूला चल रहा है यहाँ पे, हम जानते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 पे e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x को हम 1 लिखते हैं, तो ये वाली जो चीज़ है वो डेफिनेटली 0/0 फॉर्म बनाती है, तब फॉर्मूला यूज़ होता है। देखिए e टू द पावर 0 1 होगा ना, तो ये 1 होगा, 1 - 1 0, 0/0 क्रिएट करता है, राइट। अच्छा, यहाँ अगर हम पुट करें h को 0 पुट करें तो क्या आएगा, साइन एक्स माइनस साइन एक्स, तो e की पावर 0 1 आएगा, 1 - 1 0/0 फॉर्म क्रिएट हो रहा है। तो सेम क्वांटिटी यहाँ पे जो होती है, अगर आप जैसे यहाँ पे x² लिखा है तो यहाँ पे भी x² चाहिए होता है, तब भी वो 1 देता है। तो सिमिलरली हम वही चीज़ यूज़ करेंगे, इसको हम इस नंबर को जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो हम इसको दे देंगे, ठीक है। h तो यहीं पर है, तो एक काम कर रहा हूँ मैं कि इसी में साइन ऑफ एक्स प्लस एच, साइन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स से डिवाइड किया, और बैलेंस करने के लिए उतना ही मल्टीप्लाई कर दिया, साइन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस का साइन एक्स। अब आप देखिए ये जो पोर्शन है इसकी लिमिट 1 हो गई है, ये लिमिट 1 हो गई है, इसको हम हटा देते हैं। ये पोर्शन जो है दैट गिव द लिमिट 1, इसको आप रिमूव कर दीजिए, और बाकी बचा हुआ पोर्शन जो है अभी बाकी है, e टू द पावर साइन एक्स को बाहर निकाल दो, क्योंकि इसका लिमिट से कोई लेना देना नहीं है, लिमिट है h की, h टेंड्स टू 0 की है, तो x से उसका कोई मतलब नहीं है, तो इसको हमने बाहर कर दिया, इसकी हम लिमिट ले चुके, ठीक है। अब ये भी h बच रहा है और ये लिमिट अभी पेंडिंग है हमारी, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, दिस इज साइन ऑफ x प्लस एच माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय h, ये बच रहा है। इसको देखिए आप क्या लिखा जाएगा, साइन एक्स लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड साइन c माइनस साइन d, वही फार्मूला यूज़ करेंगे जो अभी यूज़ कर रहे थे, कॉस ऑफ 2 कॉस c प्लस डी बाई 2, तो c प्लस डी बाई 2 में आपका आ जाएगा h बाई 2, c प्लस डी बाई 2, तो यहाँ पे x देगा खाली, x प्लस h बाई 2, ठीक है ना। तो दोनों को ऐड करेंगे, c प्लस डी बाई 2, सो दिस इज x प्लस एच बाई 2, दिस इज प्रॉपर। साइन में क्या होगा, c माइनस डी बाई 2, तो दिस माइनस दिस बाई 2, एंगल में c माइनस डी बाई 2 करेंगे तो h बाई 2 बचेगा, एंड डिवाइडेड बाय h। एक काम करेंगे, इस 2 को यहाँ नीचे उतारेंगे ना, तो ऐसा लिख सकते हैं, बाई 2 लिख सकते हैं, ये नंबर ऊपर जाएगा तो वापस 2 हो जाता है, तो इस तरह से लिखा जा सकता है। फिर वापस इसकी लिमिट लेंगे यहाँ पे, तो आपको मिलेगी कितनी, दिस पोर्शन इज 1, और अब मैं इसका लिमिट फाइनल लिख रहा हूँ, e टू द पावर साइन एक्स आया इंटू यहाँ से बचेगा ये लिमिट वन होगी ये कॉस एक्स देगा सो दिस इज कॉस एक्स। तो देखिए e टू द पावर साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है e टू द पावर साइन एक्स कॉस एक्स। अगर आप थोड़ा चैन रूल जानते हैं 11th में किया है, चैन रूल में क्या होता है जो सेम फॉर्मूला है वो यूज़ करना होता है और x की जगह अगर दूसरा कोई नंबर आ रहा हो तो उसका डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। इस तरह से ये आगे वर्कआउट होता है। जैसे e टू द पावर x का स्टैंडर्ड फार्मूला जानते हैं तो e टू द पावर x अगर रहा होता तो e टू द पावर x हो गया होता, बात खत्म हो जाती। लेकिन यहाँ पे है e टू द पावर साइन एक्स तो एक बार आप e टू द पावर साइन एक्स लिखेंगे और साइन एक्स का डेरिवेटिव फिर इसमें कॉस एक्स लिखेंगे। तो इस तरह से ये जो है चैन रूल का यूज़ होता है। ये आप खाली डेरिवेटिव जानते हैं, एग्ज़ाम में फर्स्ट प्रिंसिपल दिखाना होता है। ये बस कुछ एक एग्जांपल्स में सॉल्व कर रहा हूँ। अगर सीबीएसई 12th का एग्ज़ाम आप दे रहे हैं तो फिर आपके लिए यूज़फुल रहेंगे। देखिए इसके बाद मैं एक दो और थोड़े से टफ से क्वेश्चंस लेता हूं और उसके बाद हम स्विच कर जाएंगे सेकंड मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। कल मैंने जो पूरा लिस्ट लिया था उस लिस्ट के अकॉर्डिंग ही सारा काम करना है। अभी हम फर्स्ट प्रिंसिपल पे चल रहे हैं, सेकंड हमारा लिस्ट के अकॉर्डिंग है डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग द स्टैंडर्ड रिजल्ट। फिर हम जाएंगे डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन दैट इज द चैन रूल। तो इस तरह से बिल्कुल जो ऑर्डर है आपके पास में 10-11 डिफरेंट मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन मैंने लिखे थे और उन्हीं मेथड्स को लिखते हुए आगे चला जाएगा। इसके बाद में हम लेंगे मान लीजिए इन्वर्स फंक्शन हो या आपका कोई रूट में फंक्शन हो। तो 2-3 एग्जाम्पल्स और लेता हूँ मैं, इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स।